वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे कंट्रोलर, ये अपना डेस्क पैनल में कंट्रोलर कहाँ लगता है और किस लिए लगता है। ये कीपैड कंट्रोलर है, न्यू है, इसको लगाना है डेस्क पैनल में MCI 360 के। इसमें जो भी एक दो पॉइंट मिस हो जाते हैं तो काम नहीं करता है। MCI 360 का डेस्क पैनल खोल लिए हैं तो इसे एक एक करके इसके कनेक्टर हटा लेंगे और ये जो इसके कीपैड से जो इसकी पत्ते की सप्लाई जाती है, पत्ते के माध्यम से जिसमें वो कई वायर होते हैं, बारीक वायर, उसको पत्ते ही हम लोग ऐसे बोलते हैं, तो उसको हटा लिए हैं उसको भी। और ये चार स्क्रू पे कसा हुआ है। ये जब भी आप डेस्क पैनल खोलेंगे, जो बैक साइड से कैप हटाएंगे, उस कैप में ही कंट्रोलर होता है। आप उसको एकदम से सोचेंगे इसमें कुछ नहीं लगा, इसके पेंच खोल के, यदि आप ऐसा सोचेंगे एकदम से हटाने को, तो इससे जो पत्ते की कनेक्शन होती है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो आपका जो सिस्टम है फिर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो या अंदर से टूट गई तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि डैमेज है। तो उसको बहुत आसानी से उसके कवर हटाते हैं। और फिर यहाँ पे नया कंट्रोलर हम लोगों ने रख लिया है, इसको टाइट कर लेंगे। इसको अच्छे से टाइट करने के बाद इसके ये पावर सप्लाई के भी कनेक्टर लगा देंगे। ये दूसरा भी कनेक्टर लगा देंगे। और इसके दोनों साइड से दो और कीपैड के जो पत्तों के माध्यम से कंट्रोल होता है, जो सिग्नल आता है कीपैड से, हम यदि कोई बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से सिग्नल ये पत्तों के माध्यम से आता है दोनों साइड से, तो इसको भी बहुत सावधानी से लगाना होता है। इसमें बहुत ही हल्के हल्के जो पत्तों के माध्यम से वायर लगी होती हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि कभी ये भी डैमेज हो जाती हैं, इनसे कोई सप्लाई पास नहीं होती है, तो इसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से भी, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जैसे भी आप कीपैड कंट्रोलर लेंगे तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी आएगा, पत्ता उसके साथ आएगा। दोनों चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको साथ में मिलेगी, क्योंकि अब साथ में मिलती है तो आप उसे, ये नहीं कि आपका सही है तो नहीं डालना, आप उसे भी डाल दीजिए। अब यहाँ से ये कंप्लीट हो गया है तो आप इसके बाद सावधानी से आप इसको बंद कर दीजिए और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। ओके,